गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 3 चैप्टर्स में हमने कवर किया है। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, सेकंड चैप्टर में हमने किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीनिंग एंड टाइप, और थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम मीनिंग एंड इट्स टाइप। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विंडोज एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में, और यूजर इंटरफेस भी हमने इससे पहले लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, CUI और GUI। इसी चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ेंगे, विंडोज 7 में कुछ वर्जन्स पढ़ेंगे इसके, विंडोज 7 के जो वर्जन्स हैं, मेन फीचर्स पढ़ेंगे विंडोज 7 के, डेस्कटॉप पढ़ेंगे विंडोज 7 में, टास्क बार और वर्क स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट क्या हैं टास्क बार के जैसे कि स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च टूल बार, प्लेस होल्डर फॉर एप्लीकेशन इन यूज एंड नोटिफिकेशन एरिया, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ वर्क स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आइकन का मीनिंग और टाइप्स ऑफ आइकन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आइकन प्रेजेंटेड ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जो आइकन प्रेजेंट किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट आइकन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स है, रिसाइकल बीन, इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज एक्सप्लोरर। इसके अलावा इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विंडो, जिसमें कि एप्लीकेशन विंडो, विंडोज एक्सप्लोरर विंडो और डायलॉग बॉक्स विंडो हम डिस्कस करेंगे। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर शट डाउन कैसे करते हैं वो भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फोल्डर्स और फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, सबसे पहले तो मीनिंग इसका, फाइल का मीनिंग क्या है, फोल्डर का मीनिंग क्या है, न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को मूव कैसे करते हैं, फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, फाइल या फोल्डर्स को रीनेम कैसे करते हैं, फाइल फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं और शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं इन फाइल्स और फोल्डर्स का। तो चैप्टर 4 में हम ये सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसका टॉपिक, इंट्रोडक्टरी पार्ट, विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट, अ फेमस कंपनी ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड, हैज डेवलप्ड सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम टू फुलफिल द डिफरेंट नीड्स ऑफ द यूजर। आपकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि एक कंप्यूटर वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस कंपनी है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट ही है। दैट एस्टैब्लिश क्या करता है, ये तालमेल स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। ये तो हमने इससे पहले चैप्टर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, दो के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तेरा अटेंडेंस दे दे, एक पेज का फर्स्ट पेज शायद यूजर इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया गया है। ये ब्लैंक पेज है जो ऊपर, जो हमने अभी ऑपरेटिंग विंडोज की, ऑपरेटिंग सिस्टम की और विंडोज की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले भी इससे पहले लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये दोनों भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, एमएस विंडो, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एमएस विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट चैप्टर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स में टाइप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ा था,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ड ऑन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बताया था मैंने कि करैक्टर यूजर कौन से होते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन से होते हैं। करैक्टर यूजर इंटरफेस में इनपुट हम कैसे देते हैं, करैक्टरली टाइप करके, डाटा को टाइप करके, और कमांड जो है इसमें टाइप करते हैं। दूसरा इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या करते हैं, करैक्टर यूजर्स में तो करैक्टर्स को टाइप करते हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटर डिवाइसेस से हम उसको कंट्रोल करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे माउस कीबोर्ड वगैरह, माउस लाइट पेन वगैरह। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट लॉन्च इन द मार्केट बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ईयर 1985। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सबसे पहली बार मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1985 में लॉन्च किया गया था। एमएस विंडो के बारे में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ विंडोज वाज गिवन विंडो 1.0। कौन सा वर्जन था इसका सबसे पहला, विंडोज 1.0, जो कि 1985 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैज बीन मेकिंग अपग्रेडेशन, इसको अपग्रेड करती रही विंडोज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द केस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रही उसके अकॉर्डिंग वो विंडोज को, इसको विंडोज 1.0 के बाद दूसरा वर्जन लेके आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही वो इसको अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट से अपने इस ऑपरेटिंग विंडोज को मैच करने के लिए। टू डेट सेवरल वर्जन ऑफ विंडोज हैव बीन मेड अवेलेबल इन द मार्केट, दे आर फॉलोइंग। कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं अब तक आ चुके हैं, विंडोज 1.0, विंडोज 3.0, और फिर विंडोज 2.03, फिर उसके बाद 3.0, फिर विंडोज 95, फिर विंडो XP, फिर उसके बाद आया विंडो विस्टा। और अब इस पेज पर आ जाइए जो हम करंटली आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद आया विंडो विस्टा, के बाद क्या आया विंडोज 7, फिर विंडोज 8, फिर विंडोज 10 एक्सेट्रा, आगे आ ही रहे हैं। These days Windows 7 is the most used of, Windows 7 mostly used अब जो currently है, current तो change हो गया, चलो जो इसमें लिखा, These days Windows 7 is the most used of all the versions given above, इनमें सबसे ज्यादा जो Windows 7 है वो use किया जाता है। It was launched on October 22, 2009, 22 अक्टूबर 2009 को ये launch किया गया था। The following, the Windows 7 was more easily and faster than Windows XP and Windows Vista. Windows XP और Windows Vista से ये fastly काम करता है और easily काम करता है। Its look and feel is more attractive than the earlier Windows. इससे पहले जितनी Windows आई, Windows ने वर्जन आए, उनमें उनसे ज़्यादा ये attractive है। The start menu of Windows 7 is much better than that of the earlier version. इसका स्टार्ट मेन्यू भी अच्छा है क्योंकि वहीं पर ही आपको ज्यादातर ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। इन द स्टार्ट मेन्यू वी कैन डायरेक्टली सर्च एनी फाइल फोल्डर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। इससे पहले हम डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल या फोल्डर को स्टार्ट मेन्यू के थ्रू सर्च नहीं कर सकते थे, और यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिल गया विंडो 7 में, डायरेक्टली हम इसको किसी भी फाइल फोल्डर को अपनी सर्च कर सकते हैं। द साइज ऑफ द आइकन इन द क्विक लॉन्च टूल बार इज ऑल्सो क्वाइट बिग। एक क्विक लॉन्च टूल बार भी आपको इसमें दिया गया है जिसमें से जो क्विकली जिनको आप टूल्स को यूज करते हैं को आप वहां पर रख सकते हैं, जो बार बार आपको यूज करने पड़ते हैं, ऐसे टूल्स को आप क्विक लॉन्च टूल बार में एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि उनको आप बार बार यूज कर सकें इनकी जगह पे। ऑन द डेस्कटॉप मोर देन वन वॉलपेपर कैन बी यूज एट द सेम टाइम। विंडोज 7 में क्या है कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा वॉलपेपर आप एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। विच आर डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। स्लाइड शो की फॉर्म में एक एक वो आ गया वॉलपेपर आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एक से ज्यादा स्लाइड के फॉर्म में आप उनको वॉलपेपर को लगा सकते हैं और वो अपने आप रोटेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। द नेटवर्किंग फैसिलिटी इज इन इट इज ऑल्सो मोर एफिशियंट। इसमें विंडोज 7 में नेटवर्किंग फैसिलिटी भी ज्यादा अच्छी है। On account of these features facilities, these Windows is more in vogue. So, 6 versions of Windows 7 have been launched in the market. Market में Windows 7 के
वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, और अब करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और भी नेट पे सर्च कर लेंगे हम कि और कोई नया वर्जन आया है या नहीं, इसमें करंट इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। विंडोज 7 के जो डिफरेंट वर्जन हैं वो कौन कौन से अभी तक जो आए हैं, विंडोज 7 स्टार्टर, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया वर्जन अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ हो और यहाँ पर 6 हेडिंग्स में इनमें ना, और वो 7वां हेडिंग हो या 2 हो चुके हों, 8वां हेडिंग हो, वो हम अप टू डेट होते रहेंगे नेट से इंफॉर्मेशन सर्च के कि कौन सा न्यूली लॉन्च हुआ है। विंडोज 7 स्टार्टर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इस वर्जन का स्टार्टिंग वर्जन था। द वर्जन हैज बीन फॉर द बिगनर, ये बिगनर्स जो है वो स्टार्टर के, ये जो वर्जन था वो स्टार्टर के लिए मीन बिगनर्स के लिए बनाएगा। इट हैज द लीस्ट फीचर्स ऑफ ऑल द अदर वर्जन या फिर एडिशन, जो डिफरेंट वर्जन हैं या फिर एडिशन हैं इस विंडोज 7 के, उनमें सबसे कम फीचर किसमें है, विंडोज स्टार्टर में ही है। That is why the new users can use it easily. बहुत कम फीचर्स हैं इसमें, इसलिए इसको easily use भी किया जा सकता है। In it, the wallpaper on theme of the desktop cannot be changed. Theme को change नहीं किया जा सकता, वही window की जो theme है वही यहाँ पर रहती है, इसको change नहीं किया जा सकता। Its processor is of 32 bit, इसका processor जो है वो कितने bit का होता है, 32 का। उसके बाद विंडोज 7 बेसिक वर्जन आया इसका, दिस वर्जन इज अवेलेबल ओनली इन सम ऑफ द कंट्री, दिस इज अ बेसिक वर्जन एंड प्रोवाइड वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फैसिलिटीज, इसमें कम फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। इन इट विंडोज सेंटर एंड द विंडोज एरो ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल, इसके बाद के वर्जन वो हमें मिले हैं इस सब में, होम बेसिक में विंडोज मीडिया सेंटर और विंडोज एरो अवेलेबल नहीं है। अपनी अलग से अपनी डेस्कटॉप थीम बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो 7 होम प्रीमियम, होम प्रीमियम में क्या हुआ कि दिस वर्जन इज मेनली डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन होम, इट कैन बी इजीली यूज्ड बाय ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट फैमिली, इट इज ऑलवेज इन 32 बिट एंड 64 बिट वर्जन बोथ, ये दोनों में अवेलेबल है, 32 बिट में भी और 64 में। विंडोज 7 प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से आपने शायद आपके टाइम में नाम सुनना स्टार्ट किया होगा, आपसे इससे पहले के है ये, इससे पहले जो वर्जन सबने पढ़े हैं विंडोज 7 प्रोफेशनल शायद आपने सुना होगा अपने टाइम। दिस वर्जन इज डेवलप्ड फॉर स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये वर्जन स्मॉल बिजनेस के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बनाया गया। बिसाइड ऑल द फीचर्स ऑफ होम प्रीमियम, इट हैज द नेटवर्किंग फीचर ऑल्सो अवेलेबल इन इट, इसमें नेटवर्किंग फीचर मिला कि दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग कर सकें, नेटवर्क को शेयर कर सकें। विंडोज 7 एंटरप्राइज, विंडोज 7 एंटरप्राइज जो वर्जन आया इसमें क्या था, दिस वर्जन इज सोल्ड आउट ओनली टू दोज बिग कंपनीज विच हैव द सॉफ्टवेयर अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिनके पास सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट था उनको ही ये बिग कंपनीज को सेल किया गया, ये वाला वर्जन। एंटरप्राइज इसके नाम से ही पता चल रहा है, विंडोज 7 एंटरप्राइज किन के लिए है, एंटरप्राइज के लिए ही है। बिसाइड ऑल द फीचर्स ऑफ विंडोज 7 प्रोफेशनल, इट हैज सम हाई लेवल फीचर्स आल्सो, एंटरप्राइज को हाई लेवल के फीचर्स ही चाहिए, यूनिक एप्लीकेशन सपोर्ट और मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस, मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस भी है इसमें, जो हमने टाइप इंटरफेस इसके पढ़े थे इससे पहले चैप्टर में। विंडोज 7 अल्टीमेट उसके बाद आया, इट हैज एक फीचर सिमिलर टू दो विंडोज 7 एंटरप्राइज, विंडोज 7 एंटरप्राइज के सिमिलरली इसके फीचर्स हैं, बट इट इज अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल यूजर, ये इंडिविजुअल यूजर के लिए भी अवेलेबल है, ऑन सीज ऑफ इंडिविजुअल लाइसेंस, इंडिविजुअल लाइसेंस मिल सकता है, और वो इससे पहले वाला विंडोज 7 एंटरप्राइज एंटरप्राइज को ही मिलता है, बिजनेस एंटरप्राइज को, और एंटरप्राइज के नाम ही उसका लाइसेंस इशू होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल लाइसेंस आप ले सकते हैं। उसके बाद है विंडोज 7 अल्टीमेट के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ये सारे हो गए इसके वेरियस वर्जन विंडोज 7 के, अगर कोई इसका है तो वो आप नेक्स्ट प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर मुझे अगर कोई पता चलता है तो मैं हेडिंग इसमें इंक्लूड करवा दूंगा। बाकी तो ये 6 वर्जन भी आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं, मेंशन करने हैं। मेन फीचर्स क्या हैं विंडोज 7 के,
देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि जहां पर पॉइंटिंग डिवाइसेस से ग्राफिकली आप इनपुट दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रोवाइड फुल प्रोसेसिंग। इसमें प्रोसेसिंग जो है वो पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रोंग है, 32 64 बिट के भी इसमें अवेलेबल है वर्जन। मल्टीटास्किंग फैसिलिटी, एक से ज्यादा टास्क आप एक ही टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। होम ग्रुप फैसिलिटी, होम ग्रुप फैसिलिटी भी है इसमें। मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग इससे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया क्या होता है। इजी सर्चिंग, सर्च करने में इजी होता है, कहाँ पर, विंडोज 7 तक। जंप लिस्ट, विद दिस फीचर वी कैन सी द लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन लोकेटेड ऑन टास्क बार। टास्क बार में जो हमने रिसेंट सर्चेज की हैं या रिसेंट जितने भी काम किए हैं कंप्यूटर पर, वो आपके पास जंप लिस्ट, एज ए जंप लिस्ट टास्क बार में आ जाते हैं। राइट क्लिक करके फाइंड योर माउस ऑन द आइकन लोकेटेड ऑन द टास्क बार, वो आ जाते हैं जो आपने रिसेंटली काम किए हैं, वर्ड पे किए हैं, एक्सेल पे किए हैं, जैसे भी किए हैं वो। जैसे इसमें रिसेंट में ये आ गया कि अग्रीवेंचर एक्सेल, राइट क्लिक करके ये सारे आ जाते हैं। इनमें से अगर दोबारा आपको कुछ ओपन करना हो तो इजीली आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये तो थे आपके मेन फीचर विंडोज 7 के। सेवन फीचर्स थे, एट फीचर है इसका रिमोट डेस्कटॉप। विद दिस फीचर सिटिंग एट फार ऑफ प्लेस वी कैन यूज द कंप्यूटर लाइंग एट आवर होम और ऑफिस, दूर से भी रिमोटली भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। वी कैन ओपन ऑल द फाइल्स एप्लीकेशन सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर लाइंग ऑन आवर होम और ऑफिस इन अनदर कंप्यूटर, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है ना, तो हम नेटवर्किंग से दोनों कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो ऑफिस वाले कंप्यूटर में आप घर वाले कंप्यूटर के फाइल फोल्डर्स को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इससे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया होता है, अब इसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल है। विंडोज मीडिया सेंटर, इजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, जो फ्रीक्वेंटली हमने यूज किए हैं प्रोग्राम उनको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेशन, अपडेट की जो नोटिफिकेशन इसमें आती रहती हैं और उन नोटिफिकेशन के थ्रू आप इनको इसके अपडेट जो हैं वो कर सकते हैं इंस्टॉल। डेस्कटॉप विंडोज 7, नेक्स्ट टॉपिक है इसका डेस्कटॉप विंडोज 7। इट रेफर्स टू द वर्क एरिया, ये क्या है, वर्क एरिया है मेड अवेलेबल ऑन द स्क्रीन बाय वर्क विंडोज 7। विंडोज 7 के द्वारा स्क्रीन पर जो वर्किंग एरिया, वर्क एरिया अवेलेबल कराया गया है उसको कहते हैं आप डेस्कटॉप। इन दिस वर्क एरिया देयर अपीयर डिफरेंट आइकन एंड द स्टार्ट मेन्यू। इस एरिया में आइकन दिखेंगे आपको और स्टार्ट मेन्यू, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये क्या है पूरा का पूरा जो दिख रहा है, देखो खिड़की भी दिख रही है यहाँ पे, ये विंडो है पूरा का पूरा, ये जो स्क्रीन पर आपको इसमें कुछ आइकन्स भी हैं। ये नीचे देखो स्टार्ट मेन्यू भी है, सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये देखो आइकन्स मैंने जो ओपन कर रखे हैं शो हो रहे हैं, ये आइकन्स हैं ऊपर ये लेफ्ट साइड में। ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया है जो, जिसको क्या बोलेंगे आप, ये क्या है डेस्कटॉप है पूरा का पूरा, ठीक है। इट रेफर्स टू द वर्क एरिया मेड अवेलेबल ऑन द स्क्रीन बाय विंडोज 7। इन द वर्क एरिया देयर अपीयर डिफरेंट आइकन्स एंड द स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं और स्टार्ट मेन्यू है ये सब कुछ इस पर है। सबसे पहले टास्क बार, ये जो नीचे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एरो जहाँ पर कर्सर जा रहा है हमारा, सबसे नीचे देखिए स्क्रीन पर, सबसे नीचे जिसमें स्टार्ट मेन्यू भी है और ये सब कुछ, ये टास्क बार है। द बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज द टास्क बार। ये देखिए, साथ साथ थ्योरी के साथ मैं प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ आपको, और प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट जो हैं वही जो मैं इसमें समझा रहा हूँ उनमें से ही एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी करना है, जो एक्सपेरिमेंट है
लूज शीट्स पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो खरीद कर मिलानी बनी बनाई। एक्सटर्नल जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपको उस तरह की नहीं बनानी बनानी की, जो जैसे ये प्रैक्टिकल फाइल्स मिलती हैं पीछे से काटा और आगे चिपका दिए और उसमें थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया, वो कोई प्रैक्टिकल फाइल नहीं है। आपको क्या करने हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो आपको बताऊंगा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, उसकी प्रोसेस एक साइड में लिखनी है और उसकी आउटपुट का प्रिंट आउट लेके, स्क्रीन का प्रिंट आउट लेके राइट लेफ्ट साइड में प्लेन पेज पर चिपकाना है। लूज शीट लेनी है आपने, लूज शीट प्रैक्टिकल लूज शीट कहकर मिलेंगी, एक साइड से लाइनिंग वाली होती है और एक साइड से प्लेन होती है, वो एक साइड लाइन होंगी उनसे और एक साइड से प्लेन, और साइज क्या होना चाहिए उन शीट का, ए फोर साइज शीट्स लेनी है आपने, प्रैक्टिकल शीट एक साइड से प्लेन और एक साइड से लाइनिंग वाली। प्लेन साइड पे आप जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसकी आउटपुट का स्क्रीन शॉट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे प्लेन साइड पे, और लाइनिंग वाली साइड पे उसके बारे में आप लिखेंगे कि फर्स्ट आपने क्या किया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका, आपने क्या करना चाहा और क्या फिर किस तरह से किया आपने, फिर वो क्या कंक्लूजन निकला, वो पूरा एलिमेंट जैसे आप 8th 9th 10th में साइंस में करते थे ना, ऐसे अब आपने कंप्यूटर में परफॉर्म करके फिर वो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। भले ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो कम पेजेस की हो, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, लेकिन वो पीछे से काट के चिपकाने वाली प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल भी अब की बार एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल जो है वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो लूज शीट पर प्रैक्टिकल अच्छा है, इसलिए क्लासेस लगाना बहुत जरूरी है, क्लासेस में ही आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करनी है। बिना प्रैक्टिकल फाइल अगर जिस फॉर्मेट में नहीं होगी, अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगी जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपकी प्रैक्टिकल जो है वो कैंसिल ही हो जाएगी, आप एबसेंट माने जाएंगे और आपके कोई मार्क्स नहीं जाएंगे। इसलिए अच्छे से आप क्लासेस लगाइए, उसमें प्रैक्टिकल के बारे में समझिए क्या बताया जाता है और किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, साथ साथ उनको चेक करवाइए ऑनलाइन, मेरे को सबमिट कीजिए। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, मैं डेट्स दूंगा, उन डेट्स में आप उसको मेरे को गूगल फॉर्म पे आप उनको सबमिट कर सकेंगे और उसको फिर मैं चेक कर दूंगा, और कमी होगी तो आपको कम्युनिकेट करके बताऊंगा, फिर वो आप उसकी कमी पूरी करके मेरे को दिखाएंगे। तो इस तरह से हर एक एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट करना है प्रैक्टिकल फाइल का, ऐसे ही ज्यादातर 10-12 एक्सपेरिमेंट होंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको वो पेज चिपकाने में, पीछे से काट जो मार्केट से परचेज करके लाते हो ना, जिसमें से पीछे से काट काट के पेज चिपकाते हो आगे, वो पेज काट के चिपकाने के नहीं होते, प्रिंट आउट लेते हो आप उनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। तो इसलिए आपने प्रैक्टिकल जो है वो सेकेंड सेम की इस तरह से बनी बनाई वो ब्लैंक फाइल्स जो आती है वो परचेज नहीं करनी है, आपने जो प्रैक्टिकल्स है वो लूज शीट पर खुद परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट और वो प्रिंट आउट और लाइनिंग वाली साइड में लिखना है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कंप्यूटर के, वो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज रीड प्रैक्टिकल अगेन, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सर, कैन यू प्लीज रिपीट दिस प्रैक्टिकल थिंग, योर वॉइस आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में प्लीज, जो भी आपके क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दिया कि, ताकि टाइम बचे और मैं पढ़ के उनके आंसर जरूर देता हूँ, चैट बॉक्स में टाइप किया जाएगा, कर दो। हाँ जी, वो हाँ जी, प्रैक्टिकल के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बोल के बताई हैं वो एक नो के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएंगी, ये नहीं कि मैंने एक बार बता दी तो वो बस उसके इसके बारे में बात नहीं होगी, बार बार बात होगी प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे, क्लास में भी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में भी, और व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस भी आएंगे इसके रिगार्डिंग कि सर प्रैक्टिकल कब किस डेट तक करना है, कैसे करना है, क्लासेस में समझाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको वो परफॉर्म करना है, कम्युनिकेशन हर तरह से होगी। ठीक है, तो डेस्कटॉप विंडोज 7 के बारे में हम पढ़ रहे थे, डेस्कटॉप विंडोज 7 में डेस्कटॉप के बारे प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा था कि ये डेस्कटॉप है जो भी आइकन है लेफ्ट साइड, और नीचे टास्क बार के बारे में बता रहा था मैं आपको कि बॉटम
it is that bar located at the bottom of the desktop is shoulda is known as the task bar. ये जो नीचे जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ बिल्कुल बॉटम पर जिसमें स्टार्ट मेन्यू भी है और ये सर्च एरिया भी है. देखो सर्च एरिया पर क्लिक किया मैंने तो सर्च एरिया ऑप्शन मिल गया. यहाँ पर कर सकते हैं आप और ये इंटरनल एक्सप्लोरर और ये डॉक्यूमेंट फाइल और ये सब गो टू मीटिंग भी मैंने इसमें रन रखा है तो जितने भी आइकन मैंने ओपन किए हैं ये नीचे टास्क बार में शो हो रहे हैं. ये पूरा का पूरा टास्क बार इधर टाइम यहाँ पर ये हिडन आइकन हैं वो भी हैं यहाँ पर और बैटरी कितनी है मेरे लैपटॉप की वो भी दिखा रहा है. ये सब कुछ हमारा डेस्क इसमें टास्क बार में शो हो रहा है. इसको आप टास्क बार कहेंगे. फर्स्ट जो है इसका वो टास्क बार है. वर्क स्पेस क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वर्क स्पेस. ये पूरा पूरा डेस्कटॉप है ये पूरा क्या डेस्कटॉप है. इस डेस्कटॉप में नीचे वाली चीज जो ये है एक पट्टी काली पट्टी नीचे सबसे नीचे वो क्या है टास्क बार है और इसको छोड़ के टास्क को छोड़ के बाकी सारा वर्क स्पेस कहलाता है. बाकी सारा क्या है वर्क स्पेस. तो आप आ जाइए इसी पर. ये टास्क बार और वर्क स्पेस हमने किया है. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. ये दिखाया है इसमें डायग्राम में भी कि ये सारे आइकन्स हैं. ये टास्क बार है नीचे वाला. ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया है. डेस्कटॉप दिखाया हुआ है विंडोज 7 का. नेक्स्ट है टास्क बार है क्या चीज. टास्क बार और वर्क स्पेस ये दो चीजें पड़ी है इसमें. तो टास्क बार जो जो मैंने इसमें बताया है वो है. स्टार्ट में सबसे पहले टास्क बार में सब देखिए ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा. ये नीचे वाली जो पट्टी है ब्लैक कलर की क्या है टास्क बार है. टास्क बार में क्या क्या है सबसे पहला ये स्टार्ट मेन्यू है. इसके बाद क्विक लॉन्च टूल बार है. ये सर्च का ऑप्शन है क्विक लॉन्च टूल बार है. क्विक लॉन्च टूल बार है और टास्क व्यू जो टास्क आपने किए हैं उनका व्यू है. ठीक है यहाँ पर कुछ डिसेबल हैं उनको एनेबल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि ये है इसमें क्विक लॉन्च टूल बार है. ओपन जो हमने एप्लीकेशन ओपन की हुई है देखो हमने क्या क्या मैंने क्या क्या ओपन किया हुआ है. इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किया हुआ है. ईमेल साइड नीचे ये जो टास्क बार है इसके सबसे नीचे जो भी नोटिफिकेशन देख ये देख मैसेज मेरे यहाँ पर 7 दिखा रहा है. 7 नोटिफिकेशन है. नोटिफिकेशन को ऑन करूंगा तो नोटिफिकेशन मेरे डेस्कटॉप पे इसी को कर देता हूँ. नोटिफिकेशन क्या है तो ये कार्ड चाहिए. ये टेक मॉर्निंग डिस्पैच चाहिए. विंडोज सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है. तो ये है नोटिफिकेशन एरिया है. ये जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो इसमें आएंगी. इसको मैं हेलो हेलो हाँ ये हमने कवर कर लिया है टास्क बार को. प्रैक्टिकली बता दिया कि क्विक लॉन्च टूल बार प्लेस होल्डर फॉर एप्लीकेशन यूज नोटिफिकेशन क्या है.
मैंने कुछ डिटेल्स आगे हम कल करेंगे, 4:45 हो गए, आपका ये लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है और बाकी का जो और है वो हम कल थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल करवाता रहूंगा और बाद में आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको कैसे कब करना है, कैसे वो सबमिट करना है, कैसे चेक कराना है और कैसे फिर उस पर वर्क करना है अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो। आपके अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट। रिकॉर्डिंग में भी आई जाती है ये तो पूरा चैट आपका, ठीक है। ओके थैंक यू क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डेस्कटॉप विंडोज 7, दैट इन डेस्कटॉप विंडोज 7 वी विल डिस्कस डिटेल्स ऑफ स्टार्ट मेन्यू फर्स्ट देन व्हाट से एंड सो ऑन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास, यू मे लीव नाउ।